जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले क्लास में नाउन में कॉमन नाउन को पढ़ लिया था। आज हम लोग कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट तीनों को आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बारीकी से पहले हम लोग कलेक्टिव को देखने के प्रयास करते हैं। जो तीसरा हम लोगों का ये तीसरा टाइप है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, समझने के प्रयास करने यहाँ पे। ये वर्ड है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को कलेक्शन, ये जो वर्ड बना है कलेक्शन से, कलेक्ट से ही बन रहा है कलेक्शन। और कलेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कलेक्शन क्या होता है, जैसे कहीं भी जाते हो पैसा को क्या करते हो, कलेक्शन करते हो। कलेक्शन समझ लो, कलेक्शन का मतलब संग्रह करते हो, यानी कि इकट्ठा करते हो। तो ये जो वर्ड कलेक्टिव अपने आप में बता रहा है, ये किसी न किसी ग्रुप को शो कर रहा है, जो एक कलेक्टिव वर्ड है। तो साथ में यहाँ पे कलेक्टिव आपका वर्ड दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कलेक्शन के दर्शा रहा है। कलेक्शन तो लिख सकते हैं, इट रेफर्स ए कलेक्शन ऑफ नाउन, मतलब ये किसी नाउन के कलेक्शन को दर्शाता है, ठीक है साथियों। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है, किसी न किसी नाउन की कलेक्शन को दर्शाता है। ये ऐसे लिख सकते हो, नाउन इज द मतलब दिस नाउन इज द मतलब कलेक्शन रिप्रेजेंटेड, या कुछ भी। कहने का मतलब ये है, ये जो कलेक्शन जो वर्ड है ना, इसका अपने आप में जो मतलब होता है संग्रह, यानी कि समूह, ऐसे बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ कास्ट या क्लास, ये भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग यही भी लिखवाते हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो, आसान तरीका में हम बोल रहे हैं साथियों, तो ये भी लिख सकते हो, इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड समथिंग, ठीक है। चलो, मतलब ये किसी ग्रुप का नाम, किसी पर्सन के ग्रुप के नाम को रिप्रेजेंट जो करता है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नहीं समझे, समझो, किसी व्यक्ति के ग्रुप के नाम को जो शो करता है, यही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, समझ गए। यही क्या होता है साथियों, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे ले लो आर्मी टीम, जैसे ले लो टीम। तो क्या होता है, टीम में कोई प्लेयर होता है, प्लेयर क्या है आपका, कोई प्लेयर होता है, और प्लेयर के क्या होता है, ग्रुप होता है। प्लेयर के ग्रुप को मिला करके एक नाम दे देते हैं टीम, यही तो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे ज्यूरी, JURY, ठीक है, ज्यूरी, जैसे मैंने बोला ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या है, जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए होते हैं, जो सदस्य बैठे होते हैं, उन्हीं को तो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो ज्यूरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज्यूरी कहलाते हैं। जैसे मैंने एक और वर्ड लिख दूंगा, क्लास क्या होता है, स्टूडेंट जो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंटों का कलेक्शन जो हो जाते हैं, स्टूडेंट का जो संग्रह मिल जाते हैं, उसी को तो क्लास बोलते जाते हो। तो ये समझ में आ गया ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन या समथिंग, क्या होता है, किसी पर्सन या किसी चीज का ग्रुप का समूह का नाम होता है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए आपको क्लियर हो गया साथियों, फटाफट बता दो मुझे, अभी कहीं बताओ फटाफट। अरे यार नहीं समझे, कमेंट बहुत सारे बच्चे कर, नहीं समझता सर। देखिए, ये कहने का मतलब ये कह रहे हो ना कि इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और समथिंग, कुछ भी हो, किसी समथिंग यानी कुछ भी का या व्यक्ति का जो ग्रुप हो, ग्रुप का मतलब बोल सकते हैं एक यूनिट, यूनिट समझते हो ना यार, कैसे समझाओ तुमको, यूनिट नहीं समझते, यूनिटी इज द ना, एकता में दम है। यूनिटी क्या होता है, जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक जगह ला करके जो यूनिटी बनाया जाता है, यूनिटी में क्या हुआ, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव नाउन, वो क्या था, संग्रह होते हैं किसी चीज, ठीक है, किसी चीज का संग्रह होते हैं, यानी कलेक्शन होते हैं, वही कलेक्टिव में आते हैं। जैसे मिल सकते हो, टीम है, ज्यूरी है, क्लास है, मॉब भी हो सकता है, मॉब मतलब भीड़, आपका कैटल हो जाएगा, कैटल क्या होता है, पशुओं का झुंड होता है, अनेक प्रकार के पशुओं का झुंड होता है, कैटल। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों आपका, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पीपल क्या होता है, लोग, मतलब हमारे कैटेगरी के बहुत सारे लोग मिल करके एक जो संग्रह, एक जो चीज बनाते हो पीपल, वो भी क्या होता है, कलेक्टिव में आता है। जैसे पुलिस, पुलिस में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं,
जवान भी होते हैं नौजवान, लेकिन सारे लोग मिलकर के एक जो चीज बनते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार होता है उसे बोलते हैं पुलिस, यानी कि कलेक्शन होता है एक तरह से देखा जाए तो कलेक्शन ही होता है। ठीक है, एक कलेक्टिव आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ जी, कलेक्टिव समझ में सबको आ गया? कलेक्टिव को और भी डिटेल्स में जाने की कोशिश करोगे तो वो आपको टफ लगेंगे। कलेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है, कलेक्टिव नाउन, जो कि आपको टफ लगेंगे। इसके थोड़ा से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आ जाता है आपका जेनरिक, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन, और एक सिंपल में होता है। तो इन सब में जाऊँगा तो आपको थोड़ा अजीब से लगेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, कन्फ्यूजन में हो जाओगे। मैं कन्फ्यूजन वाला चीज़ पर नहीं ले जाऊँगा, बट यहाँ तक समझो आपको आ रहे हैं तो ठीक है, चलिए। क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं देना चाह रहा, क्योंकि कन्फ्यूजन में पड़ोगे साथियों फिर दिक्कतें हो जाएंगे बहुत सारा। चलिए, कलेक्टिव हमारा हो गया, और जब ये टोटल नाउन खत्म कर लेंगे साथियों तो आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे, क्वेश्चन आप बताओगे उसके आंसर क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन करोगे सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम टॉप लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों, क्या टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप उस चीज को देखते रहना। ठीक है, जब टॉप लेवल का हम क्वेश्चन लेके आएंगे ना, आपको उस चीज़ को देखना है। और देखो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या इसका फैक्ट भी होता है, मन में होगा कि सर कलेक्टिव नाउन का क्या फैक्ट भी होता है कुछ, तो मैं बता देता हूँ इसका फैक्ट होता है, कौन कौन सा फैक्ट होता है, समझना। अगर कलेक्टिव नाउन का मीनिंग किसी एक जाति से हो, किसी एक कैटेगरी से हो, डिफरेंट कैटेगरी से क्या हो, नहीं हो, ठीक है, तो उस सेंस में जो भाव आता है सिंगुलर आता है, कहीं कहीं प्लूरल भी आता है, तो वो जब आप पैकेज करोगे समझ में आ जाएगा। और आर्टिकल जब देखो, जब पता होगा कि आपको जब वो सिंगुलर होता है तो आर्टिकल तो लगेंगे ही, तो सिंगुलर रहेंगे तो आर्टिकल लगेंगे, और जब प्लूरल होंगे तो आर्टिकल नहीं लगेंगे। अब आ जाते हैं सबसे मतलब मटेरियल नाउन में, ठीक है, क्योंकि आपका डिमांड है कि सर जल्दी खत्म करो। मटेरियल, क्योंकि जहाँ पर लॉजिक होता है, जो समझाने लायक होता है कि आपको वो चीज़ में दिक्कतें हो सकती है, वो चीज़ मैं बहुत बढ़िया तरीके समझाता हूँ, जो चीज़ बहुत आसान होते हैं उसमें लगता है कि आप उलझ जाएंगे, वो चीज़ों को मैं ज़्यादा आपके साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि आप उलझ जाएंगे तो फिर उसी चीज़ में पड़े रह जाएंगे, तो बाकी जो टॉपिक है हमारा ग्रामर सेक्शन की उनमें और दिक्कतें पैदा हो जाएगी। ठीक है, आप वही चीज़ समझो। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को मैं बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा और एक लेवल पर समझाऊंगा, क्योंकि मटेरियल और प्रॉपर में नाउन में बहुत सारे अक्सर लड़के गलतियां कर देते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, आप कम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन उठा कर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और टेंथ और ट्वेल्थ में तो हमेशा ही आते हैं, इसके क्वेश्चन हमेशा बनाते हैं, बिहार हो, यूपी हो, कोई सही बोर्ड, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर जरूर पूछता है, या तो आपको पैसेज में पूछ देगा, या तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आते रहते हैं मटेरियल नाउन का। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरह से समझना, मटेरियल नाउन वो होता है ना साथियों जिससे किसी चीज का निर्माण हो सके, यानी कि वैसा सब्सटेंस या मटेरियल दैट कैन मेड ऑफ, उससे किसी और चीज की निर्माण हो सके, उसे मटेरियल कहते हैं। लेकिन बुकों में दिया होता है मटेरियल, मटेरियल इज द क्या होता है जिससे हम लोग ताप नहीं माप कर सके, तोल सके, इसी को मटेरियल कहते हैं। बहुत सारे बुकों में ये दिया होता है कि इट इज द नेम ऑफ, क्या दिया होता है, इट इज द नेम ऑफ मेटल, मेटल एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंसेस दैट कैन बी मेजर या वेट, ठीक है, जिससे हम लोग माप या तौल सके, उसी को हम लोग किस में रखते हैं, मटेरियल में रखते हैं, किसी में रखते हैं, मटेरियल में रखते हैं। समझ में आ रहा है साथियों सबको, मापा या तोड़ा जा सके, ठीक है, ऐसे में सब तो दैट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, ओनली कैन बी मेजर या वेट, इट्स कॉल्ड मटेरियल। ऐसे में बहुत सारा साथी डिफिनेशन आप तय करो, आप क्या डिफिनेशन लगाते हो, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करूंगा, डिफिनेशन आप तय करना, डिफिनेशन क्या लगाना है, जो भी डिफिनेशन लगाओगे सही होगा। ठीक है, आप डिफिनेशन आप चूज करना, डिफिनेशन क्या लगाओगे, या तो ये भी लिख सकते हो कि नाउन कांट बी काउंटेड, काउंटेड बट इट कैन मेजर्ड, ठीक है, ठीक है, वैसा नाम जिसे गिन नहीं सकते लेकिन उसे मेजर कर सकते, वो भी मटेरियल नाउन में आता है, वो भी क्या होता है, मेजर भी लिख सकते हो और वेट भी लिख सकते हो साथ ही, इसको WEIGHT, वेट भी लिख सकते हो, मेजर और वेट कर सकते हो, माप या तोल सकते हो, उसे भी क्या बोलते हैं साथियों हम लोग, मटेरियल लेते हैं। देखो डिफिनेशन आप तय करो क्या लिखना है आपको, तो
आप बताना इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई और डिफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, आप सभी कमेंट में देख रहे हूँ। अरे यार इसे ऐसे भी लिख सकते हो यार, घुमा कर के कैसे समझाओ, लिख सकते हो ए नाउन कैन बी, कैसे बताओ, कैन बी मेजर्ड या वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसा चाह रहे हो, ऐसे लिखूं, आप चाह रहे हो ना कि नाउन कैन बी मेजर वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ऐसे भी समझ जाओ, जैसे समझना चाहते हो समझो। मैं हर तरीके से समझाने की प्रयास करता हूँ कि आपको जो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना आप किस तरह से समझ रहे हो। बहुत सारा डिफिनेशन लिख दिया, एक दो तीन डिफिनेशन लिख दिया, बुक में तो एक ही दो दिए रहते हैं ना, ऐसे भी समझो। इट इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंसेस, भाई किसी न किसी पदार्थ और किसी न किसी सब्सटेंसेस के नाम रहते, या तो मेटल का नाम रहता है, जैसे लोहा गोल्ड आयरन मेटल सब्सटेंस में आपका, बाकी जो पदार्थ आ गए खाने पीने वाला चीज वो सब भी आ जाते हैं, ठीक है, बात समझ लो ना। या तो ऐसे कह सकते हैं नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा थोड़ी आप पानी को गिन सकते हो, ऑयल को गिन सकते हो, गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हमें गिनने की जरूरत, गिन सकते हैं, चावल का दाना इतनी हो एक मुट्ठी हो तो गिन सकते हैं, लेकिन हमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट कैन बी मेजर और वेट, उसे हम वेट और मेजर कर सकते हैं, वो भी मटेरियल नाउन होता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं नाउन कैन बी मेजर और वेट, ऐसा नाउन जिसे हम लोग मेजर कर सके और वेट भी कर सके, माप और तोल सके, बट कांट बी काउंटेड, उसे गिन नहीं सके, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लो, मिल्क ऑयल राइस। अब देखो गोल्ड क्यों नहीं लिख रहा हूँ, गोल्ड के पीछे कुछ कहानी है, गोल्ड के पीछे की कहानी समझना चाहते हो साथी, क्या आप इस गोल्ड के पीछे की कहानी समझना चाहते हो, गोल्ड के पीछे की कहानी, क्या आप गोल्ड के पीछे की कहानी समझना चाहते हो, आओ समझाते हैं। पहले ये चीज नोट डाउन करो, पहले ये वाला पार्ट को नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग गोल्ड की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल ये होगा मिल्क ऑयल राइस, और बाकी रेस्ट जो बच गए ना, जो मटेरियल में आते हो सभी को नोट डाउन कर लेना है आपको, ये फटाफट नोट डाउन कर लो, ये तो मेरे सबसे बेस्ट है, ये वाला आपका जो डिफिनेशन मैंने लिखा है ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है मेरे हिसाब से, आप इसे नोट डाउन कर लेना और इसे भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कोई भी ऐसा डिफिनेशन ना हो कि जहाँ से आपको वो डिफिनेशन लगे कि एयर है, सारे बन जाने चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो, करो जल्दी जल्दी साथियों मटेरियल नाउन को। चलो इसके कुछ फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है, फैक्ट बताने के बाद फिर इसको चर्चा करेंगे कुछ और चीज पे, आज हम इसके फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं, मटेरियल नाउन के फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों देखो मैं तो कहूंगा ना आप एक एक चीज को नोट बनाओ, और साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है साथियों, ऐसा नहीं सोचना कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, बट पेशेंस रखना होगा, क्या करना होगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होगा तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज हम लोग कर पाएंगे साथ में मिल के, और पेशेंस नहीं होगा तो फिर वही समझ रहे हो ना। चलो इसकी फैक्ट नंबर वन की तरफ चलते हैं, फैक्ट नंबर वन कहता है इसका, ये जो मटेरियल नाउन होता है, जो ये मटेरियल नाउन होता है, जो मटेरियल नाउन होता है, फैक्ट नंबर फर्स्ट इसका कहता है, ये जो होता है अनकाउंटेबल होता है, क्या तो साथियों अनकाउंटेबल होता है, ये क्या होता है अनकाउंटेबल, ये क्या होता है अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है अनकाउंटेबल, क्योंकि हमें इसे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ये गिनेंगे क्यों, हमें जब पता है इतने चावल है तो हम गिनेंगे क्यों, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इसे हमें गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये मटेरियल नाउन क्या होता है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। फैक्ट नंबर टू पे आ जाओ, नो यूज आर्टिकल, नो यूज ए आर टी का मतलब समझना आर्टिकल, ए आर टी का मतलब क्या समझना आर्टिकल, समझ गया, आ जाओ फैक्ट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर थर्ड कहता है साथियों कि ये क्या होता है सिंगुलर होता है, ये जो मैटेरियल नाउन होता है क्या होता है साथियों सिंगुलर होता है, और इसके साथ भर्ब भी क्या लगता है सिंगुलर होता है, यानी कहने का मतलब ये क्या होता है सिंगुलर होता है और भर्ब भी क्या लगता है साथियों अपने साथ
सिमिलर ही लेता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है साथियों? अनकाउंटेबल होता है, नो यूज ऑफ आर्टिकल, सिमिलर होता है, भारवी क्या रहता है, सिमिलर रहता है। यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर है साथियों? सबका सबका कंसेप्ट क्लियर है। और देखो मेटेरियल नाम जब भी हो तो इसके साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। फैक्ट नंबर फोर लिखो, के साथ एस और ईएस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसमें कभी भी हम मेटेरियल नाउन में एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, नेवर। ठीक है, चलो फैक्ट नंबर फाइव में आ जाओ। फैक्ट नंबर फाइव कहता है मेटेरियल नाउन, कब मेटेरियल नाउन होगा? जब किसी चीज का निर्माण कर दिया जाए। ये इतना नोट कर लो, चार फैक्ट नोट करो, उसके बाद हम इसकी कहानी को बताते हैं आपको। चार नोट डाउन करो, अनकाउंटेबल होता है, आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं कर सकते, सिंगल होता है, वर्ब भी सिंगल लेता है, और एस और ईएस का यूज इसके साथ नहीं करते। इसके बाद हम कहानी को समझाते हैं, ये नोट डाउन करो, आ जाओ कहानी समझो। मेटेरियल नाउन कहता है कि जब तक उसे हम मेटेरियल नाउन नहीं कहेंगे जब तक उस चीज से कोई चीज बना दिया जाए। जैसे गोल्ड को, जब आप गोल्ड लिखते हो, मैं ऐसे कहूँ ना गोल्ड, गोल्ड प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गोल्ड जैसा, मैंने प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या बताया, जो यूनिक हो। गोल्ड जैसा अभी तक अभी आपने कभी धातु देखा है? गोल्ड जैसा अभी तक आपने धातु नहीं देखा होगा। गोल्ड अपने आप में यूनिक है, लेकिन जब इस गोल्ड से कोई चीज का निर्माण कर देंगे, यानी कि इस गोल्ड से चेन बना देंगे, रिंग बना देंगे, नेकलेस बना देंगे, नथिया बना देंगे, कान में को बना देंगे, झुमका बना देंगे, गाना सुने हो ना, तो वो सारी चीजें बना देंगे जब गोल्ड से, तब जाके मटेरियल होगा। कहता है मटेरियल के मटेरियल हम तब तक नहीं कहलाएंगे मटेरियल जब तक हम कोई चीज का निर्माण ना कर दे। किस वाले केस में? जब ये मेटल वाले बात आ जाए, मेटल वाली बात आ जाए, तब ये केस में कहता है कि हम मटेरियल जब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कोई चीज ना बन जाए, ना कोई चीज का निर्माण हो जाए। मटेरियल तभी होगा जब उससे कोई चीज का निर्माण करेंगे। आइए एग्जाम्पल देते हैं और कम होने के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्योंकि ये जो है ना मेटेरियल नाउन, बहुत लोगों को प्रेरित कर रखा है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, आंख बंद करके बोलते हैं कि ये चीज हो जाएगा गोल्ड मटेरियल। नहीं, गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम कोई भी चीज हो, ये वुड भी हो, वुड जब तक लकड़ी, समझ लो ना, जब तक वो मेटेरियल नाउन नहीं है जब तक उससे हम कोई चीज का निर्माण नहीं कर दे। ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉपर नाउन में होगा। कैसे होगा कि सारे हम अभी समझेंगे, समझने की प्रयास करना, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, गोल्ड इज प्रीशियस। ठीक है, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। ठीक है, यह प्रीशियस होना चाहिए लेकिन कॉस्टली समझे तो आप समझ जाओगे बड़ी तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, द रिंग इज मेड ऑफ, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब मुझे बताना इस दोनों सेंटेंस में गोल्ड है, दोनों सेंटेंस में क्या, यहाँ भी गोल्ड है और यहाँ भी गोल्ड है। मुझे बताओ दोनों सेंटेंस में गोल्ड है। अब मैंने शुरुआत क्लास जब स्टार्ट किया था मैंने ये बनाया था, किसी भी वर्ड को देख करके नहीं बता सकते कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार हम जा करके बता सकते हैं, उसके फंक्शन को चेक करके बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे जब मैंने गोल्ड लिखा, कह रहा है गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, जो सोना है वो कीमती क्या है, धातु है, कीमती धातु है, मेटल धातु है। लेकिन यहाँ पे लिखा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो ये अंगूठी है, अंगूठी समझते ना, सेरेमनी होता है, वो क्या गोल्ड का बना हुआ है, यानी कि सोना का बना हुआ है। देखो मैंने अभी बताया इसके कंसेप्ट, जब किसी मेटेरियल नाउन से कोई चीज बना दिया जाता है तभी जाके वो मेटेरियल नाउन होता है। यहाँ पे जो गोल्ड है ये प्रॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड है ये क्या हो जाएगा, मेटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, मेटेरियल। और इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, इसके क्वेश्चन में इतने करवा दूंगा ना काफी, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे मटेरियल नाउन में। और कलेक्टिव नाउन का देखो, इसलिए साथियों मैं उसको डिटेल्स में नहीं गया, कहानी नहीं बताया, कि कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे तीन चार पार्ट बढ़ जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है, मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन मेटेरियल में समझो, जब उस चीज से कोई चीज का निर्माण, जैसे देखो चावल, चावल कैसे मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि उससे हम लोग चावल को पका के खाते हैं ना, उससे कोई चीज नया वैरायटी तैयार कर देते हैं। जैसे आप तेल लेते हो,
मसाला डालते हो तो कोई चीज़ नया चीज़ की वैरायटी बना देते हो ना, सब्जी जैसे आलू लेते हो तो आलू से कोई ऐसा तो ना कच्चा आलू खा जाते हो, नहीं उससे वैरायटी चेंज करते हो तो वो आपका उस जगह पे मटेरियल होता है आलू, ठीक है, पोटैटो उस जगह पे मटेरियल होता है, वैसे वो कॉमन होता है पोटैटो, जनरल फॉर्म में देखा जाए कॉमन नाउन होता है, लेकिन उस चीज़ से कोई चीज़ का निर्माण कर देते हो तब वो क्या होता है पोटैटो, उस सेंस में मटेरियल होता है, क्योंकि पोटैटो को तोड़ के लेते हैं, लेकिन कहीं पीस से बिकता होगा एक एक पीस तो वो कॉमन नाउन हो गया ना, तो उसकी भाव भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे समझना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए एक और चीज़ देख लो, एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। राम राम किल्ड, राम किल्ड मी, अब एक और सेंटेंस है दूसरा, राम किल्ड रावण, ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों सेंटेंस में सेंटेंस कौन सा सही है, मुझे बताओ विद इन ए सेकेंड, अभी देखो आंख मुद्र का धुआंधार होगा, सब दोनों सेंटेंस सही है भाई, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर दोनों सही है, लेकिन क्या इस दोनों का मीनिंग सेम है, राम ने मुझे मारा और किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना, समझना मेरी बातों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस है राम किल्ड रावण, जबकि मैंने बात किया कॉन्टेक्स्ट से तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली कैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, दूसरा सेंटेंस का राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा तो हम लोग जानते हैं तो हाँ रियल बात है सच्चाई है कि राम ने रावण को मारा, हम लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं रामायण में देखते हैं ये बात मानते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कह राम किल्ड मी, राम ने मुझे मारा यानी कि मैं बोल रहा हूँ, जब मैं मर चुका हूँ तो फिर मैं बोल कह सकता हूँ, तो मतलब ये निकल रहा है ना किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना, और यार जब राम ने मुझे मार दिया तो मैं कैसे बोल सकता हूँ बताओ मुझे साथियों, ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि नहीं बोल सकता हूँ, जब मैं मर चुका हूँ तो कैसे बोल सकता हूँ, प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं, तो ये जनरल फॉर्म में देखा जाए ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन लेकिन सुनना ध्यान से, जब इसी सेंटेंस को राम किल्ड मी इसी सेंटेंस को हम किसी स्टोरी में या हम किसी मूवी में इसको रिप्रेजेंट करें, इसे हम किसी मूवी में लेकर चले जाए, मूवी में देखो वो घोस्ट वाला फिल्म, हॉरर की फिल्म देखो ना हॉरर भूत वाला फिल्म, तो वहाँ पे क्या होता है भूत किसी के देह पे आता है और कहता है कि राम ने मुझे मारा, जैसे वो बंदा मर चुका है किसी, देखो ना गांव जात में भूत ओझा होता है तो उसके देह पे आता है वो क्या बोलता है राम ने मुझे मारा, या जो भी कोई होता है उस व्यक्ति ने उसको मारा आके के बोलता है ना इसने मुझे मारा, तो उस सेंस में वो जो भूत होता है बोल सकता है, किस सेंस में जब वो घोस्ट की बात हो जब वो हॉरर मूवी की बात हो तो उस सेंस में बोलेगा, लेकिन अपने जब हम लोग ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं तब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब गलत था, आपको कंसिचुएट मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार बहुत बड़े तरीके से बताया तो आपको कैसे पकड़ना है इसकी मीनिंग ही पकड़ना है ना साथियों, ऐसा थोड़ी हुआ स्ट्रक्चर मिल रहा है कुछ भी लिख देंगे, नहीं आप इसकी कॉन्टेक्स्ट के समझो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या आ रहा है, जब हम कर रहे थे एक्चुअली में वो क्या है, इसीलिए मैंने बताया कि जो गोल्ड होता है गोल्ड जब तक मटेरियल नाउन नहीं है, अगर जब तक कि उससे कोई चीज़ बना दिया जाए और जब उससे कोई चीज़ बना दिया जाता है तो मटेरियल होता है, और जब उससे कोई चीज़ नहीं बना जाता है जनरल फॉर्म यूज किया जाता है वो प्रॉपर होता है, ये समझ में सबको आ गया, अब आते हैं लास्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का आपका रूल लिखवा ही दिया, ठीक है चार कंसेप्ट लिखवाया तो समझ ही गए होंगे, अब आते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, और ये नाउन का सबसे लास्ट होगा, उसके बाद हम आपसे बुक से आपका एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है साथियों, और आप एक काम करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से PDF मिलेंगे, क्या मिलेंगे साथियों आपको PDF, और PDF में आपके क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर कराए जाएंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दिए करूँगा ताकि आपके क्वेश्चंस का लेवल हाई मिडरेट सारे लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा आपको ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे, अब आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चलते हैं, क्या चीज़ में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है अब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो फिल्म टाइप से कोई चीज लग रहा है अब्स्ट्रैक्ट लग रहा है ना फिल्म टाइप से लग रहा है जैसे आपको महसूस होगा अब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट समझते हो ना कोई सी चीज को, तो वैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है साथियों कि जिस चीज को हम लोग अनुभव करें, जिस चीज को सिर्फ क्या करें अनुभव करें महसूस करें लगे लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है लेकिन हम उस चीज़ को देख नहीं सकते, इमेजिनरी होता है हम उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते, अच्छा मुझे बताना मैं जो बोल रहा हूँ
आप पकड़ सकते हो, नहीं आप महसूस कर रहे हो कि मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, कुछ निकाल रहा हूँ, जैसे मैं हंस रहा हूँ तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, स्माइल दे रहा हूँ। स्माइल क्या है, मेरे आप फेस का वो क्या है, बॉडी जो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रहा है वो देख रहे हो, ना कि आप मेरे जो मुस्कुराने का देख रहे हो। उसे सिर्फ महसूस कर रहे हो हाँ ये बंदा अगला बंदा हंस रहा है, नहीं इसे पकड़ नहीं सकते हम, पकड़ोगे तो मेरे ये गाल पकड़ा जाएगा, या तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, या तो फेस पकड़ा जाएगा, लेकिन हंसी को नहीं पकड़ सकते हो ना, वो एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वो चीज़ सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि उसे देख भी नहीं सकते हो ना टच कर सकते हो। उसी तरह उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये हो सकता है, डिफिनेशन लिखवाने के प्रयास करें तो हो सकता है कि नाउन कांट, नाउन कैन नाइदर, नाउन कैन नाइदर टच नॉर सीन, ठीक है। ए नाउन कैन नाइदर टच और सीन, नॉर सीन बट ओनली फेल्ट, क्या हो सकती है, सिर्फ महसूस करे। एक ऐसा नाउन जिसे ना ही तो हम लोग टच कर सकते हैं और ना ही महसूस करते हैं, सिर्फ उसे हम लोग देख सकते हैं, सॉरी सीन मतलब देखना होता है, और ना ही इसे महसूस। नाउन कैन नाइदर बी टच और नॉर बी सीन, मतलब ऐसा नाउन जिसे टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम उसे क्या करें, महसूस करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखोगे, देखो इसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाता है ये भी समझना होगा। इसमें तीन चीज आते हैं, एक तो आता है आपको क्वालिटी, क्वालिटी वाला बात आ जाता है, क्वालिटी का नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक तो आपका स्टेट का नाम होता है, एक स्टेट मतलब होता है कि आपका अवस्था, क्या होता है साथियों, अवस्था। और एक आया था आपका एक्शन, ACTION, एक्शन मतलब होता है जो कुछ भी करते हो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि क्वालिटी को नाम को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, अवस्था स्टेट मतलब अवस्था, तो स्टेट के नाम को भी क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, और एक्शन के भी नाम को क्या बोलेंगे साथियों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल सबके ले लेते हैं, क्वालिटी में क्या क्या हो जाएगा, तो क्वालिटी में जैसे में आपको हो जाएगा साथियों, क्वालिटी में लेने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी ये सब हो जाते हैं। जैसे देखो ऑनेस्टी, ठीक है, और ले सकते हो उसके अलावा ब्रेवरी, ठीक है, जैसे ले सकते हो ब्रेवरी, ऑनेस्टी और भी बहुत सारे, ब्यूटी। अब देखो ब्यूटी में बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली एडवर्ब है, और ब्यूटी नाउन है, समझने का प्रयास करना है। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल्ली जिसमें ए लवाई लग जाए वो एडवर्ब है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, समझने का प्रयास करना, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अब स्टेट में आ जाते हैं, स्टेट में कौन कौन सा हो सकता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। स्टेट वाला देखो, स्टेट में साथ ही आपको कौन कौन हो जाते हैं, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, जैसे चाइल्डहुड हम लोग लिख सकते हैं, चाइल्डहुड यानी कि बचपना, और क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, यंग भी आ सकता है इस कैटेगरी में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो चाइल्डहुड, फिर लिख सकते हो क्या चीज़ आपका, यंग भी हो सकता है, पॉवर्टी भी हो सकता है, फिर ओल्डनेस भी हो सकता है, OLDNES मतलब बुढ़ापन, ओल्डनेस का मतलब होता है बुढ़ापन। तो किस स्टेट का मतलब अवस्था, कहते ना हम लोग इस अवस्था में आ गए हैं जब कोई काम नहीं कर सकते। हमारे घर के लोग बोलते ना, जैसे दादा के पास बैठोगे तो कहते ना, देखो बाबू हम इस अवस्था में आ गए कि ना अब एक लोटा पानी भी नहीं उठा सकते हैं, अब ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उसे हम लोग स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं, नेम ऑफ क्वालिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ स्टेट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नेम ऑफ एक्शन, ये एक्शन दिखाई दे रहा है ये भी क्या होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही होता है, नेम ऑफ एक्शन, क्या साथियों, नेम ऑफ एक्शन। जैसे अब क्या बोल सकते हो, नेम ऑफ एक्शन है, बताओ जल्दी साथियों, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। जैसे में हो सकता है आपका साथियों हॉटेड, जैसे में क्या हो सकता है साथियों आपका हॉटेड भी लिख सकते हो साथियों, लाफ्टर भी लिख सकते हो, लाफ्टर मतलब क्या, तो हंसी में ईयर लगा हो। जैसे देखो एक्शन में डांसर भी कर सकते हो, लाफ्टर भी कर सकते हो, LAGH भी कर सकते हो, लाफ्टर, डांसर, एक्टर भी कर सकते हो, वो एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है, भर्ब है, और भर्ब में ओ आर लगे, एक्टर, ई आर,
वो भी हो जाता है, आपके एक्टर भी हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे तमाम जो वर्ड होते हैं जो कि एक्शन वाला क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एक्शन वाला क्या होता है साथियों, नाउन होते हैं। जैसे वीपिंग भी लिख सकते हो यार, वीपिंग, ठीक है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि आपके एक्शन के नाम को भी क्या बोलते हैं, स्टेट नाउन, स्टेट के भी नाम को स्टेट नाउन, क्वालिटी के नाम का भी अब स्टेट नाउन। यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब चलो इसके फैक्ट भी लिख लो। फैक्ट कहाँ लिखवा दूँ आपको साथियों, यहाँ पे आ जाओ। फैक्ट ये कहता है कि इसके साथ, फैक्ट फर्स्ट ये कहता है इसके साथ आर्टिकल नो यूज, आर्टिकल इसके साथ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते। कितने परसेंट, 95% केस में, 5% कहीं कहीं यूज हो जाता है। वो चीज़ हम किसी मतलब जब आप सेंटेंस कहीं बताएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे तो बता देंगे। और यहाँ पर दूसरा रूल ये कहता है, ये क्या होता है साथियों, ये सिंगुलर होता है और इसके साथ आने वाला जो भर्ब भी होता है सिंगुलर ही होता है। यानी कि बोले इसे ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसके साथ जो भर्ब भी लगता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो साथियों यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हमने नाउन को पाँचों जो के प्रकार थे, टाइप्स थे, वो सारे कवर कर लिए, यानी कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम लोग जो इसके करेंगे एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नाउन केस, नाउन जेंडर, नाउन नंबर, नाउन पर्सन, चार चैप्टर और इसके बच्चे हैं, इसमें 8-10 क्लासेस लग जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर कर लोगे ना तो आपके 60% ग्रामर कैच हो रहे थे, 60% तो कवर हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप फर्स्टली क्या करना, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो तो वहाँ से, अदरवाइज टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारना है CBR स्टडी, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे और वहाँ पर चैनल का लोगो दिखाई देगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।